हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, आईपीएल की नीलामी, इसके साथ ही आईपीएल की ट्रेड विंडो को लेकर बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल की ट्रेड विंडो की, सबसे पहली ट्रेड हमें देखने को मिल चुकी है। वैसे तो अगर आप लोग हमारे चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो हमने आपको कल ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि आईपीएल की पहली ट्रेड हमें देखने को मिली मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमों के बीच में, जहां पर आरसीबी की टीम के लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज जेसन बहनड्रॉफ और मुंबई इंडियंस की टीम में ट्रेड किए जा चुके हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने डायरेक्टली पैसों में आरसीबी से जेसन बहनड्रॉफ को खरीदा है, जिसका मतलब है जितना प्राइस जेसन बहनड्रॉफ का आरसीबी की टीम में था बिल्कुल उतने ही प्राइस में ये अब मुंबई इंडियंस की टीम से आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसका मतलब है 75 लाख रुपए में हमें ट्रेड देखने को मिली है। तो मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर तो थे ही, अब उसके बाद उनके पास आ चुके हैं जेसन बहनड्रॉफ। तो एक तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम की जो मेन प्रॉब्लम थी बॉलिंग, उसमें इन्होंने अलग अलग वैरायटी ऐड करने की कोशिश की और 75 लाख में जेसन बहनड्रॉफ एक बहुत ही अच्छे रेट की ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर केकेआर की साइड से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेकर, जहां पर केकेआर की टीम ने एरन फिंच को रिलीज करने का मन तो बना ही लिया है, जिसमें कोई भी दो डाउट नहीं है। लेकिन ये टीम ट्राई कर रही है कि एलेक्स हेल्स को रिटेन कर लें। आप लोगों को याद होगा कि एलेक्स हेल्स की जो एक तरीके से वो चले गए थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ही एरन फिंच हमें केकेआर की टीम में देखने को मिले थे। तो ये टीम चाह रही है कि फिंच को रिलीज कर दें और उनकी जगह पर ये जो इनसे पहले जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर फिंच आए थे एलेक्स हेल्स, उनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, तो उनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिटेन करने की तरफ देख रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। पंजाब किंग्स की टीम ऑलरेडी आईपीएल की स्टार्टिंग से पहले बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर चुकी है। ट्रेवर बेलिस इनके नए कोच बन चुके हैं, शिखर धवन इनकी टीम के नए कप्तान हैं, और अब एक और अनाउंसमेंट जल्दी ही पंजाब किंग्स की साइड से ऑन कार्ड से, और ये अनाउंसमेंट होने वाली है इनके वाइस कैप्टन के रिगार्डिंग, जहां पर हमने आपको पहले भी कहा था कि मयंक अग्रवाल के जाने के बाद इनकी टीम में जॉनी बैरिस्टो को कैप्टनसी से रिलेटेड कोई ना कोई रोल जरूर मिलने वाला है, और अब ये रोल फाइनलाइज हो चुका है और ये रोल है वाइस कैप्टन का। शिखर धवन इनके कप्तानी करेंगे और उनके साथ ही जॉनी बैरिस्टो इनके वाइस कैप्टन होंगे। इसका मतलब है कि शिखर धवन और जॉनी बैरिस्टो आपको इनकी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इस बार। तो इस तरीके से कप्तान और वाइस कप्तान एक इन्होंने बैलेंस रखने का ट्राई किया है, इंडियन कैप्टन और उसके साथ ही फॉरन वाइस कैप्टन का, जिससे कि जॉनी बैरिस्टो और ट्रेवर बेलिस के बीच में जो पहले भी वो साथ में खेल चुके हैं, तो उस तरीके से उनके कोऑर्डिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दो प्लेयर्स को लेकर रिक्वेस्ट किया गुजरात टाइटंस से ट्रेड प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पर सबसे पहले नंबर पर आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस की टीम ने इनको जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था, और ऐसे में इन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला था तो केकेआर की टीम के पास भी, क्योंकि करेंटली कोई भी ओपनर मौजूद नहीं है, एरन फिंच को रिलीज करने वाले हैं। तो ऐसे में रहमानुल्लाह गुरबाज को इन्होंने ट्रेड करने की मांग की है, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और काफी अटैकिंग प्लेयर हैं, जिसकी कोई केकेआर की टीम को सख्त जरूरत है। इसके बाद इन्होंने दूसरे रिक्वेस्ट किया लॉकी फर्ग्यूसन की ट्रेड के रिगार्डिंग। हालांकि जो हमारे पास अपडेट निकल कर आई है उसमें यह कहा गया है कि गुजरात टाइटंस के एक मीडियम पेसर को ट्रेड करने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्लेयर लॉकी फर्ग्यूसन ही है। अगर ये कोई और प्लेयर होते हैं तो इसके बारे में और अभी तक जितनी भी ट्रेड चल रही है सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसी टाइम दे देते हैं। वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है या फिर हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, तो सारी की सारी ट्रेड की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऑक्शन भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे, रिटेंशन रिलीज लिस्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर एक ट्रेड तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल ही चुकी है, लेकिन इसके बाद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दो और ट्रेड ऑफर हुई थी इन दोनों ही टीमों को एक दूसरे की साइड से। सबसे पहली ट्रेड में आरसीबी की टीम डेविड ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है मुंबई इंडियंस की टीम ने इस ट्रेड से डिनाई कर दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम खुद चाहती थी कि कायरन पोलार्ड को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपनी टीम में ट्रेड कर ले, तो ऐसे में आरसीबी की टीम ने इस ट्रेड को डिनाई कर दिया, यानी कि एक ट्रेड मुंबई इंडियंस ने डिनाई कर दी, दूसरी ट्रेड आरसीबी ने डिनाई कर दी, और जो तीसरी ट्रेड थी जेसन बहनड्रॉफ वाली उस पर दोनों ही टीमों का अग्रीमेंट होने के कारण
ये ट्रेड हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है IPL 2023 के लिए बैलेंस पर्स के रिगार्डिंग, जहां पर उन टीमों के नाम भी हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं कि कौन सी टीम का बैलेंस पर्स सबसे ज्यादा होने वाला है और कौन सी टीम का सबसे कम। वैसे तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर आप एक्टिव रहिए, ऑलरेडी वहां पर 6,500 लोग हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो खैर, अब अगर बात की जाए उन सभी टीमों की जिनके पास सबसे कम और सबसे ज्यादा बैलेंस पर्स है, तो बैलेंस पर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बैलेंस पर्स लेकर इस बार पंजाब किंग्स की टीम आपको नीलामी में उतरते हुए नजर आएगी, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, इन्होंने भी काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज किया है, ऑलरेडी अपनी लिस्ट ये सौंप चुके हैं BCCI को। और तीसरे नंबर पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, इनकी साइड से भी आप लोगों को कुछ बड़ी रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाली है। बात की जाए सबसे कम बैलेंस पर्स की, तो यहां पर दो टीमें निकल कर आती हैं जो कि आप लोग गैस भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले नंबर पर है गुजरात टाइटंस और दूसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। ऑब्वियसली बात है दोनों ही टीमों का कमाल का सीजन गया था, दोनों ही फाइनलिस्ट थी, ऐसे में ये अपनी टीम से ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि ज्यादा बैलेंस पर्स ये नहीं जुटा पाएंगे इस बार नीलामी के लिए। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है IPL की ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग, जहां पर अभी 15 तारीख को सभी रिलीज्ड और रिटेन प्लेयर्स के लिस्ट जो है वो लाइव आपको दिखाई जानी है। तो ऐसे में उससे पहले ये BCCI प्लानिंग कर रही है कि 15 तारीख को एक जो ट्रेड विंडो करेंटली चल रही है उसमें पॉज लगाया जा सकता है। हालांकि ये सकता है हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 100% कंफर्मेशन नहीं है। दरअसल BCCI चाहती है कि रिलीज्ड और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट को कलेक्ट करने और उस पर मार्किंग करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो उस दौरान वो ट्रेड विंडो को पॉज कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे या फिर यूट्यूब पर भी हम बता देंगे, लेकिन अगर फिलहाल के लिए जो ट्रेड विंडो है वो हमें पॉज होते हुए देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की साइड से निकल कर आ रही है, जहां पर RCB की टीम लास्ट ईयर इन्होंने हर्षल पटेल को बहुत ही महंगे प्राइस में खरीदा था 10.75 करोड़ रुपए में, और ऐसे में RCB की टीम इस बार प्लान कर रही है हर्षल को ड्रॉप करने का, क्योंकि हर्षल पटेल का लास्ट कुछ परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट। वही जो स्लोअर बॉल है वो उतनी ज्यादा काम नहीं कर रही, इंजरी के बाद वो उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे, और लास्ट ईयर भी सभी ने ये कहा था कि 11 करोड़ के अराउंड बहुत ज्यादा ही प्राइस है हर्षल के लिए। तो RCB की टीम इस बार देख रही है किसी फॉरेन फिनिशर ऑलराउंडर की तरफ, और ऐसे में स्टोक्स इस बार नीलामी में आएंगे, सैम करन इस बार नीलामी में आएंगे, तो इन सभी प्लेयर्स को RCB टारगेट करना चाहती है। उसके लिए उनको बैलेंस पर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये बैलेंस पर्स के लिए आपको किसी न किसी बड़े प्लेयर को तो अपनी टीम से निकालना ही पड़ेगा। विराट, फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल जो इनके टॉप 3 हाईएस्ट प्राइस प्लेयर्स हैं, उनको तो आप निकाल नहीं सकते, तो ऐसे में जो एक ही ऑप्शन इनके पास बचता है वो है हर्षल पटेल का। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।